नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां आरएसएस और बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। तो बावड़िया के समाज सेवा न्यास में बैठक चल रही है। मुरलीधर राव और बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। संघ क्षेत्र प्रचारक दीपक बिस्पोते भी बैठक में शामिल हैं। बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। संगठन के काम और रणनीति पर भी चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बूथ विस्तारक अभियान की तो समीक्षा हो ही रही है, साथ ही साथ और कौन से विषय जिन पर चर्चा जारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के समन्वय जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और ये बैठक जो है बावड़िया के समाज सेवा न्यास में चल रही है। इसमें क्षेत्र प्रचारक दीपक बिस्पोते के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रभारी मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद है। साथ ही पार्टी और संगठन के कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा रही है। जिस तरह से जो बूथ विस्तारक महाअभियान बीजेपी के द्वारा चलाया गया था उसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही डिजिटली बूथ समर्पण निधि अभियान के बारे में जानकारी ली जा रही है और सरकार के मुद्दों कई सारे काम है उन पर जो है मंथन किया जा रहा है। और साथ ही मोहन भागवत जो है उनका भी जो है कार्यक्रम उज्जैन का बन रहा है तो उस पर भी चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम किस प्रकार का रहेगा उनको, और उससे पहले भी ये बैठक ली जा रही है। 19 फरवरी को उज्जैन पहुंचने वाले हैं मोहन भागवत और मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं, तो इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं इस बैठक में जो है चर्चा की जा रही है। जी जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संगठन के काम और रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक आरएसएस और बीजेपी के समन्वय बैठक की शुरुआत हो चुकी है।